नमस्कार साथियों साथियों, मैं आया हुआ हूँ अपने टेरेस गार्डन में और बैठा हूँ अपने बड़े कलाकार चित्रकार पौधों के साथियों के साथ। ये देख रहे हैं ना, इनकी चित्रकारी का कुछ कमाल नहीं है। ये देखिए, ये जो पौधे हैं इनके साथ, ये है क्रोटन। क्रोटन जो है, जैसे मैं आपको पहले कोलियस दिखाया था तो उसमें मैं बताया था बिल्कुल एकदम जैसे चित्रकारी कर दियो, कोलियस और क्रोटन वो भी पत्तों के लिए उगाया जाता है, और ये भी क्रोटन भी पत्तियों के लिए। इनकी पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत होती है, इनकी पत्तियों पे ही जो एकदम ना चित्रकारी होती है। ये देख रहे ना, ये अलग अलग रंगों में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा पौधा है, आज इसकी केयर के बारे में, इसके साथ रहकर, इससे दोस्ती करने के बाद मेरा जो अनुभव कहता है कि इसको कैसे अच्छे से रखा जाता, तो मैं अपना अनुभव आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे क्रोटन के पौधे, मेरे पास इसकी क्रोटन की 100 के करीब प्रजातियाँ हैं। मेरे पास भी यहाँ पे 4 वेराइटीज हैं इसकी, और 4 वेराइटी बड़ी खूबसूरत वेराइटी है। कुछ चौड़ी पत्ती है, कुछ संकरी पत्ती वाले हैं। तो कोलियस में जो होता है, पत्ती ही थोड़ा मखमली टाइप होती है, ये ग्लोसी टाइप होती है, चिकनी पत्तियाँ होती हैं इसकी क्रोटन की। एक तो दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी फोलियज के लिए वो भी उगाया जाता है, ये भी उगाया जाता है। इनकी पत्तियाँ ही ये सदाबहार पौधे हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। और होता है क्या है, कई रंगों में आते हैं। ये जब यंग होते हैं तो आप ये देख रहे हो ना, यंग पत्ते या इसके जो यंग पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर, हारों के ऊपर पीला होता है, और जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है तो ये लाल और गुलाबी होने लगते हैं। आप देख रहे हो, जैसे ये कुछ तो कैरेक्टर वेराइटीज का भी है, लेकिन इनमें भी ये होती है। इनमें 4-5 चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली। पहले तो ये देखना, ये पौधे किस मौसम के कहाँ रहते हैं, कहाँ उगते हैं। ये एक्चुअली मलेशिया के मूल निवासी है, और मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत में जंगली पौधों के रूप में पाए जाते हैं। वहाँ के जो जंगल होते हैं उनकी तलहटी में ये बड़े पेड़ पौधों के नीचे उगते हैं। मैंने भी अपने वर्टिकल गार्डन में आज आपको दिखाने के लिए रखे हैं, बाकी ये मेरे जो ग्रीन नेट है उसके अंदर पौधों के बीच में रहते हैं। तो ये पौधे कभी भी धूप, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहते। पहला बात ये देख लीजिए कि इनको सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए, ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इनको चाहिए। इनको लाइट तो चाहिए, अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा पसंद नहीं है, ब्राइट लाइट इनको चाहिए, लेकिन सीधी धूप से घबराते हैं। तो पहली बात तो ये होगी, ये सीधी इनको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। तो ये इंडोर प्लांट में बहुत ही अच्छे हैं इंडोर, क्योंकि ये सीधी बिना धूप के भी आप रह सकते हैं, बस लाइट मिल जाए, इनको ब्राइट लाइट मिल जाए तो ये बड़ा अच्छे चलते हैं। तो पहला बात तो हमें रखना कहाँ है, तो जहाँ पर हमें ब्राइट लाइट आती हो वहाँ रखना है। दूसरा, इनको वार्म टेम्परेचर पसंद है, ये सर्दियों से, ठंडक से, पाले से बहुत घबराते हैं, और अगर ठंडे पाले, ठंडक से, पाले से नहीं बचाओ तो पत्तियां गिरानी शुरू कर देते हैं और मर भी जाते हैं। और ये गर्मी पसंद है, गर्मी में तो ये मार्च अप्रैल से, मतलब बसंत से और बरसात तक खूब बढ़िया चलते हैं, और बरसात में तो खूब बढ़िया यूँ चलते हैं कि इनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, आर्द्रता, नमी मौसम में जितनी ज़्यादा होती है उतने ये अच्छे चलते हैं। इसलिए ये इंडोर प्लांट तो हैं, लोग इनको इंडोर में भी रखते हैं, बालकनी में भी रखते हैं, टेरेस में, जैसे मेरे यहाँ टेरेस गार्डन में ये बड़े अच्छे चल रहे हैं, और बेडरूम प्लांट इसको बहुत अच्छा बताया जाता है। क्योंकि बेडरूम प्लांट अच्छा क्यों बताया जाता है, ये बड़ा ही खूबसूरत वायु शोधक पौधा है, वायु को साफ करने वाला पौधा। हम जो रहते हैं ईंटों के, कंक्रीट के मकानों में रहते हैं और उन पर पेंट कराते रहते हैं, उन पर वार्निश कराते रहते हैं दरवाजों पे, तो उनसे जो वो निकलते हैं ना हानिकारक तत्व, तो जो
कमरे के अंदर हम सोखते रहते हैं, वो हम ना सोखें, इसको रख दो तो ये सोख लेता है, ये हानिकारक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको सोख लेता है। तो वायु सोधक इसलिए, वायु को साफ करने वाला, वायु क्लीनर है ये, तो ये वायु को स्वच्छ करता है। उसी वजह से वहाँ पर कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा लाता है ये पौधा क्रोटन का। तो क्रोटन इंडोर प्लांट, बहुत बढ़िया इंडोर प्लांट है, लेकिन मैंने बताया ना इसको ब्राइट लाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, सीधी धूप नहीं चाहिए, ठंड पसंद नहीं है। और ये टेम्परेचर की अगर बात करूँ, जो रूम टेम्परेचर तो होता ना उस पर बहुत बढ़िया चलता है, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर तापमान इसके लिए आदर्श है एकदम। और अगर टेरेस में बालकनी में रखने हैं तो अपना ग्रीन नेट के नीचे हमने रखा हुआ, या बड़े पौधों के बीच में इसको रखे, जिससे छन के इसको धूप मिले। जहाँ तक नमी की बात है, इसको पानी जो हमें देना है वो जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख जाए तभी पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी भी इसको पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी में भी ये पत्ती गिरा देता है जब ये पत्तियाँ सूखने लगे हैं। और एक चीज़ और, इसको जैसे ज़्यादा अंधेरे में रखोगे, बहुत ज़्यादा लाइट में रखोगे, जब भी मतलब परेशानी में होगा, तो ये जो कलर है ना इसका, जो कलर आप देख रहे हैं, ये मेरे कलर, मेरे पास ये सात गमले अलग अलग की तरह के, ये देखिए, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए संकरी पत्ती वाला, ये वह तो संकरी पत्ती वाला, ये गोभी की तरह, एकदम गोभी की तरह इसकी पत्तियाँ हैं इसकी, ये देखिए किस कुछ पत्तियाँ, ये देखिए ये लाली लिए हुए। तो यही हमारे, जब मैं कुछ चीज़ें बता रहा था आपको, मॉइस्चर, इसको नमी चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये आर्द्रता बनाने के लिए इसमें इसकी इसके ऊपर पानी चाहिए, नहला दिया करिए बीच बीच में, मिस्टिंग करते रहिए। और नहीं तो देखो पेबल ट्रे के नीचे एक ट्रे में ये पत्थर वत्थर डाल के, पेबल्स डाल के उसमें पानी भर के रख दीजिए, जिससे ये तो ह्यूमिडिटी इसको अच्छी है, ब्राइट लाइट इसको चाहिए, सीधी धूप नहीं चाहिए, ठंड नहीं चाहिए, पाला नहीं चाहिए, नमी इसमें पौधे में होनी चाहिए लेकिन जल भराव नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें इसको ध्यान देने वाली हैं, इसको देखने वाली है। बाकी ये पौधा बहुत ही बढ़िया इंडोर आउटडोर दोनों में, इंडोर में तो बेस्ट, ये मशहूर है, खूबसूरत सा पौधा है, ग्लोसी लीफ है। एक चीज़ और के लिए, जैसे बाहर रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ ना ग्लोसी होती हैं, चिकनी होती हैं, इन पर धूल जम जाती है। तो गीला नम मुलायम सा कपड़ा लेके नीचे हाथ लगाइए, इसके पत्ती के ऊपर से पोंछ दीजिए, तो वो जो धूल है ना, भोजन वोजन बनाने में इसको आसान हो जाता है। और मैंने बताया जब ये इसको अदलना बदलना, आज जैसे मैंने उठा के पौधों के बीच में था, आज अब वीडियो बनाने के लिए मैंने इनको एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन वर्टिकल था, गार्डन में रखा इसको, वर्टिकल गार्डन के नीचे मैंने, वर्टिकल गार्डन के और अपना जो ऊपर परगोला के नीचे रखा हुआ, तो वो वीडियो बनाने के लिए मैंने आजकल इनको ज़्यादा अदलने बदलने में भी ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। ज़्यादा नहीं बदलना चाहिए एक जगह से, इनको एक जगह रख दीजिए, वहाँ ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे, आज इस कमरे में रख दिया, आज ऊपर रख दिया, आज बालकनी में रख दिया, तो ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली है। खाद हैवी फीडर है, खाद का बहुत ध्यान रखना है इसको। बसंत में इसकी मिट्टी में आप ऑर्गेनिक खाद मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट है। मिट्टी की जहाँ तक बरूक बात करूँ, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जो उसके लिए आप 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 40% आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट, और 40% जो बाकी बचा, जो आपका 20% बचा, 20% आप मिला लीजिए रेत, 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% गार्डन सॉइल, 20% रेत मिला दीजिए, तो वो वेल ड्रेन्ड हमारी सॉइल बन जाएगी। और उस सॉइल में नमी हमें बना के रखनी है, खाद उसी में जो वर्मी कंपोस्ट दिया उससे काम चलेगा। लेकिन हर महीने आपको इसको लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है, वर्मी कंपोस्ट को भिगो के रख दीजिए पानी में, और उसको फिर इसको हर माह इसको देते रहिए लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये हैवी फीडर है फूलों वाले पौधों की तरह, तो इस पे ये जो चित्रकारी है ना, ये कलाकारी जो ये करता है, इसकी रंगत जो बनी रहती है, इसकी रौनक जो बनी रहती है वो बनी रहेगी, नहीं तो ये हरा हो जाता है। जब भी स्ट्रेस में आएगा, चाहे वो पानी के अभाव में है, या ज़्यादा पानी के, या ज़्यादा गर्मी, या ज़्यादा धूप, या ज़्यादा अंधेरे में, ये हरा होना शुरू हो जाता है और पत्ती गिराना शुरू कर देता है, पत्ती पीली पड़ने लगती है। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई,
तो ये बहुत ही बढ़िया पौधा है, बहुत ही खूबसूरत है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, वायु को शोधित करता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से पौधे के साथ, अच्छे से प्लांट की जानकारी के, तो इसलिए नमस्कार।